नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं आपको कमल के पौधे को जल्दी से ग्रो कैसे कर सकते हैं उसका तरीका बताऊंगी। दोस्तों ये है कमल का बीज और ये आपको किसी भी किराने की शॉप से मिल जाएगा। ये 10 रुपये का हमें यहाँ से मिला है किराने की शॉप से, 10 के 3 इन्होंने दिए हैं। और इसको चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि ये सारे बीज सही हैं या नहीं है, उसके बाद इसको हम बताएंगे कि कैसे लगाना है। तो चलिए इसे चेक करते हैं पानी में डाल करके। देखिए हमने इसको पानी में डाल दिया है और अगर ये ऊपर आ जाता है तो जो भी ऊपर आएगा वो ख़राब रहेगा और जो नीचे बैठ गया रहेगा वो बीज हमारा सही रहेगा। तो अभी तक तो एक भी दोस्तों ऊपर नहीं आया है, सारे के सारे जो बीज हैं नीचे ही हैं, नीचे ही बैठे हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो तीनों ही बीज सही लग रहे हैं अभी। तो चलिए अब इसका हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं कि इसे हमें कैसे लगाना है कि जल्दी से जल्दी आपका कमल जो है उग जाए और लग जाए आपका कमल अच्छी तरीके से। तो चलिए, तो दोस्तों अब ये हमने लिया है पेपर स्क्रैपर और वो जो बीज थे तीनों हमने देखिए पानी से निकाल लिया है। और इसका जो ये वाला हिस्सा है दोस्तों, ये देखिए, एक तो ये फ्लैट हिस्सा है और दूसरी तरफ ये आप देखेंगे कि नुकीला हिस्सा है। तो ये नुकीले वाले हिस्सों को हमें रगड़ना है, किसी भी चीज़ से इसको रगड़ सकते हैं, पत्थर से रगड़ लीजिए, चाहे ऐसा स्क्रैपर पेपर स्क्रैपर हो तो उससे रगड़ लीजिए। तो मैं इस पेपर स्क्रैपर पे ही इसको रगड़ लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको रगड़ लिया है। और दोस्तों इसकी एक बात ये भी है कि रगड़ने के बाद हमें ये भी पता चल जाता है अच्छी तरीके से कि वाकई में एक तरीका तो मैंने वो जो ग्लास में बताया था वो है और दूसरा तरीका ये रगड़ने के बाद ये भी हम देख सकते हैं कि ये बीज आपके सही हैं या नहीं, यानी कि ये बीज उगेंगे या नहीं उगेंगे। तो रगड़ने के बाद हमें ये भी पता चल जाता है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का होल दिखाई देने लगा रगड़ने के बाद में यहाँ पे, तो समझ जाइए कि ये बीज नहीं उगेंगे। लेकिन आपको अगर किसी तरह का होल नहीं दिखाई देता है तो ये बीज आपके आसानी से उग जाएंगे और ये जल्दी से निकल भी जाएंगे। तो ऐसे बीजों के चांसेस जो हैं वो 99% होते हैं कि आपके ये पौधे लग जाएंगे। तो ये दोस्तों अब हमारा हो गया है अच्छी तरीके से, ये देख लीजिए इसका सरफेस काफ़ी घिस गया है। और अब चलिए बाकियों को भी इसी तरह से हम कर लेते हैं। तो जैसे ये है, इसका भी नुकीला हिस्सा यहाँ पे है, आप जब इसको टच करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा ये नुकीला हिस्सा। और ये दूसरी साइड का देखेंगे तो ये नुकीला आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो नुकीले वाले हिस्सों को हम फिर से रगड़ लेते हैं, स्क्रैप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस पर भी आप रगड़ सकते हैं। तो दो तो मैंने इस पर पेपर स्क्रैप पर रगड़ लिए और एक जो बचा हुआ है इसको मैं इस सिलबट्टे पे रगड़ूंगी। तो इस तरह का कोई पत्थर हो, कोई वैसी खुरदरी ज़मीन हो, उस पर भी आप रगड़ सकते हैं। तो चलिए इस पर रगड़ लेते हैं। ये देखिए इसका इस तरह से ये हो गया है, नुकीलापन इसका ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा इसको और रगड़ लेती हूँ। ये लीजिए दोस्तों, अब ये हो चुका है
लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि इस पर करने से ज़्यादा बेटर इस पर करना था, क्योंकि इस पर करने से तो मेरी हाथ पूरी दुख गई और इसके रगड़ने में बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन इस पर करने से हाथों में दर्द नहीं हुआ था, बड़े ईजिली तरीके से इस स्क्रैप पेपर पे हो गया था। तो चलिए अब ये मेरे तीनों हो चुके हैं, अब अगला प्रोसेस इसका हम करते हैं और बताते हैं। स्टॉप करो। तो लीजिए दोस्तों, अब ये हमारा हो चुका है तीनों का तीनों। अब इसको हम अपने ये जो पानी का ग्लास था इसमें हम वापस से इसको डाल देते हैं, और इसका पानी जो है दोस्तों इसको आपको चेंज करना है हर दो दिन पे इसका पानी चेंज करते रहें। साफ़ पानी रहना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इसको देखते हैं कि कितने दिन में निकलता है। इसका अपडेट हम आपको अगले वीडियो में देंगे, जब भी इसमें निकलेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कितने दिन में ये निकला है। तो इसका एक्यूरेट जानकारी पाने के लिए मेरा अगला वीडियो देखते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को कर लीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब और घंटी का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए पौधे लगाइए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये कमल का लगाना। जाइए खरीद के ले आइए और फटाफट इसको इस विधि से लगाइए।